ट ये भी आपका मेटल में है, देख सकते हैं मेटल का यहाँ पे भी है माइक। वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास यमहा की तरफ से जो न्यू बाइक लॉन्च हुई है FZX, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये बाइक सामने खड़ी हुई है। बाकी शोरूम का एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कहाँ पे मेटल आपको मिल रहा है और कहाँ पे आपको प्लास्टिक या ABS का फाइबर देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 DRL देखने को मिल जाएगा। एक ही DRL है बट यहाँ पे आपको ये मिल जाता है तो ये सेपरेट हो जाता है। एक DRL आपको राउंड सर्कल में DRL देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सब में LED देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर जो है आपको इसमें बल्ब देखने को मिलेगा, इसमें आपको LED नहीं मिलेगा, इसमें आपको LED का सारा काम देखने को मिल सकता है। नहीं बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका नंबर प्लेट के लिए जगह। ये जो देख सकते हैं ये जो फ्रंट का मडगार्ड है ये पूरा मेटल में यूज हुआ है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे आपको ABS का स्टिकर देखने को मिल जाता है। ये भी आपका काफ़ी हैवी मटेरियल में मेटल का यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपको इस साइड में ABS और इस साइड, दोनों साइड में आपको ABS का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रंट का है, बाकी ABS का भी आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पहले फ्रंट का मडगार्ड आप देख लीजिए, मडगार्ड यहाँ से होता है और यहाँ तक आपका मडगार्ड है। उसके बाद यहाँ भी जो आप देख रहे हैं ये जो होल्ड किया हुआ है जो मडगार्ड को, ये भी मेटल में यूज किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी इसमें यूज की गई है। साथ ही आप आगे चले तो यहाँ देख सकते हैं सस्पेंशन जो है, इसमें सस्पेंशन में भी आपको कवर दिया हुआ है जिससे आपका जो सस्पेंशन का है वो सील जो होता है वो कटे नहीं डस्ट वगैरह जाने से। तो ये सेफ्टी के फीचर से सस्पेंशन का काफ़ी अच्छा इसमें यूज है। बाकी ये भी काफ़ी मोटा क्वालिटी का बनाया गया, बिल्ड क्वालिटी का, आई थिंक 43mm का सस्पेंशन। वहीं अब अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक के साथ ABS भी देखने को मिल रहा है। तो यह बाइक आपको डुअल डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ ऑफर की जा रही है। वहीं फिर आ जाते हैं इसके टायर में, तो आप टायर भी देख सकते हैं डुअल पर्पस टायर इसमें यूज़ किया गया है जिससे आप ऑफ रोडिंग भी, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी काफ़ी आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो पकड़ है दोनों टायर में आपको यही जो इसके बीट है वो देखने को मिलेंगे। तो फ्रंट का हो गया, आप बैक में भी देखिए, बैक में भी आपको सेम ऑफ रोड के टायर देखने को मिल रहे हैं। वही टायर साइजेस की बात करें तो दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे MRF का टायर आपको देखने को मिल रहा है। MRF के यहाँ पे टायर देख सकते हैं, MRF के रेडियल टायर हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और टायर का साइज यहाँ पे देख सकते हैं 140x60 R17 का मोटरसाइकिल का टायर इसमें। यह हो गया रियर का। वहीं फ्रंट में अगर टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में भी MRF का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। MRF का टायर है, ट्यूबलेस टायर इसमें भी यूज किया गया है। फ्रंट में जो टायर का साइज़ है वो 100x80 17 सेक्शन का है, ट्यूबलेस टायर इसमें भी यूज किया गया है। तो जो हेडलाइट का जो होल्ड किया हुआ है ये ब्रैकेट, ये भी आपका मेटल में है। साउंड आप हो सके तो सुन सकते हैं। ये अगर फ्रंट का जो फेंडर है, फ्रंट फेंडर है, मडगार्ड है, उसका भी आप देख सकते हैं मेटल का यहाँ पे भी है। मैं माइक को इसलिए नज़दीक लगाया हूँ क्योंकि आपको इसका साउंड पता चल जाए। यहाँ की मिल जाता है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 12V का चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं एक बार की को ऑन करता हूँ, उसके बाद हेडलाइट आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप DRL देख सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे DRL का जो लाइट है वो थोड़ा सा धीमा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्विच के हिसाब से आप इसके लाइट को धीमा और कम और तेज कर सकते हैं। जब आप रात में या दिन में भी आप जब है तो इसको आप कम करके रख सकते हैं। अगर रात में आपको थोड़ा लगे कि आप DRL का लाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप DRL के जो लाइट है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप ऊपर करेंगे, जैसे अभी ये नीचे मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करने पर देखिए यहाँ पे लाइट कम हो गया है, और मैं नीचे करता हूँ तो लाइट बढ़ गया है, ये ऊपर ये नीचे। पास लाइट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल ही है, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ ये है। ये हो गया पास का लाइट। यहाँ पे अगर स्विच देखें तो यहाँ पे पासिंग स्विच मिल जाता है, ये DRL को कम और ज़्यादा करने के लिए, ये हेडलाइट को कम और ज़्यादा करने के लिए। साथ ही यहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे हॉर्न मिल रहा है। इस साइड में आप देखें तो इंजन किल स्विच मिल रहा है, यहाँ पे सेल्फ का मिल रहा है। ये हो गया की FZX का, आप देख सकते हैं दो की मिलता है आपको, और की में भी आपको यहाँ पे यमा का लोगो देखने को मिल जाएगा दोनों साइड में। की को हम ऑन करते हैं, यहाँ पे की का आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देखिए, बाइक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको स्टैंड में जो स्टैंड सेंसर मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बाइक स्टैंड पे है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो साउंड सुनने के लिए यहाँ पे मैंने की को ऑन कर दिया, और यहाँ पे न्यूट्रल इसको कर देता हूँ। यहाँ देखिए न्यूट्रल का आ गया है, यहाँ पे सेल्फ लिया, बाइक स्टार्ट करता हूँ। साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी धक 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 है, साउंड में मजा आ जाता है साउंड। जब ये लाइट ऑन होती है तो ऐसा देखेंगे, तो जैसा कि अभी आप साउंड सुन लिए होंगे, साउंड में कोई कमी नहीं है, साउंड में भी काफ़ी धक 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 है। और यहाँ पे Gabriel भी आपको देखने को मिल सकता है, डिसेंट सा है, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई इसमें काम या कुछ ऐसा कुछ नहीं। वहीं साइड में चलें तो आप यहाँ पे यामा का भी लिखा हुआ लोगो देख सकते हैं, ये आपको साइड व्यू मिरर में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा इसमें भी कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा इसको भी रखा गया है। यहाँ पे भी आपको यामा के दोनों साइड में आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हल्का सा ये वायर निकला हुआ है, ये शायद ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ऐसा ही रहेगा। यह आपका हो गया फ्रंट में डिस्क ब्रेक का हो गया, ये ब्रेक का हो गया, ये आपका क्लच का हो गया। और व्हील्स का आपको दिखा देता हूँ, व्हील्स ब्लैक कलर में आपको व्हील्स मिल रहा है, साथ में आपको ब्लू कलर का यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जा रहा है। तो कंसोल में तो कंसोल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ की कौन करते हैं कंसोल का, जैसा कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर ABS का लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे यामा का लोगो मिल रहा है, साथ में यहाँ पे रीसेट का है। यहाँ पे देखिए ट्रिप 1 चेंज हो गया, ट्रिप 2, ट्रिप F, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे ओडोमीटर में किलोमीटर दिखाएगा, यहाँ पे आपका रेस दिखाएगा। तो ये हो गया कंसोल का। वहीं अगर जो हॉर्न की बात करें तो सिंगल हॉर्न आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और हॉर्न का भी आपको एक बार साउंड सुना के दिखाते हैं।
मैं माइक लगा है मेरे कॉलर पे और हॉर्न का आप एक बार साउंड सुनिए। और अभी मैं ऊपर में हूँ, यहाँ पे आप साउंड का एक बार आप फील कर सकते हैं कि साउंड इसका कैसा आ रहा है। माइक मेरा यहाँ पे लगा हुआ है तो इसमें आपको सिंगल हॉर्न मिल रहा है, तो ये आपका हॉर्न का हो गया। बाकी जो भी अंदर के इसका जो वायर वगैरह है, यहाँ से आप देख सकते हो वायर वगैरह इस तरीके से यहाँ पे है। ये जो फ्रंट से आ रहा है इंचेस वायर, ये यहाँ से होते हुए जा रहा है। वायर यहाँ आपको ज़्यादा कुछ इधर कुछ एक्स्ट्रा में देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी काफ़ी सही जगह पे मैनेज हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न मिल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई रेडिएटर का नहीं है, इसको बस 100 पीस के लिए बनाया गया है। अंदर से भी आप देखिए, देखिए अंदर से भी कुछ नहीं है, बस इसको 100 के लिए यहाँ पे लगा दिया गया है। हालांकि इसमें भी मेटल यूज हुआ है, कलर वाइज देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइबर देखने को मिल रहा है, बट ये जो है ये मेटल में है। यहाँ पर सिंगल हॉर्न है, यहाँ पे भी फाइबर है। माइक यहाँ पे लगा के आप फाइबर, ये मेटल फाइबर। तो यहाँ पे भी है, तो ये एक हॉर्न। और आपको इस साइड में भी वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये रेडिएटर का नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी एक आप हॉर्न लगवा सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है जो इंजन गार्ड है उसमें भी मेटल का यूज़ किया गया। ब्लैक कलर में आपको इंजन गार्ड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हैं, हाथ में चोट लग जा रहा है, ज़्यादा तेज उसमें नहीं मार सकते, मेटल है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंजन अभी गर्म नहीं हुआ पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ, जो मैं आपको साउंड में सुनाया तो उसकी वजह से इंजन को स्टार्ट किया। और वहाँ पे गर्म होना लाजमी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक ये आपका इंजन का गार्ड आ जाता है नीचे तक। इंजन का गार्ड आ जाता है। टैंक आपको ब्लू कलर के साथ, ये बाइक है तो FZX और यहाँ पे 01 का ब्रांडिंग दिया हुआ है। और इस पे भी मेटल, पेट्रोल टैंक पे भी मेटल का यूज हुआ है। और साथ में यहाँ पे ब्लैक कलर का आप स्टिकिंग देख सकते हैं। बाकी ये जो है ABS फाइबर में यहाँ पे मिलता है, साथ में ही यहाँ पे नट वगैरह मिल रहा है। जो लुक वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लुक उससे और भी निकल के सामने आ रहा है। तो दोनों साइड में आपको FZ लिखा हुआ मिल जाता है और स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाता है। और सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट में है, बाकी सीट को काफ़ी मोटा बनाया गया है। तो सीट का में कुशनिंग ज़्यादा अच्छा है, ये दब रहा है, सीट काफ़ी दब रहा है। बाकी इसका जो फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन है। रियर में आपको मोनोक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी दबता है। ये और अंदर का आप व्यू देख सकते हैं, देखने को मिल जाता है LED टेल लैंप देखने को मिलता है। ये आपका ग्रेबलर है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ग्रेबलर बनाया गया रेट्रो डिज़ाइन लुक के लिए। और वही इंडिकेटर आप देखें तो इंडिकेटर बैक में भी, आपको रियर में भी हेलोजिन बल्ब का यूज हुआ जो येलो कलर का है। साथ में ये आपका यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह है, ये आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलता है रियर में। और यहाँ पर आप देखें तो इसमें भी लाइट लगा हुआ रहता है, इसमें भी जब आप नंबर प्लेट यहाँ लगाते हैं तो इसमें से भी लाइट जलती है।
तो ये हो गया। अब वहीं आप देखें इसके मडगार्ड, जो रियर का मडगार्ड है ये फाइबर में यूज हुआ है, यहाँ से इसका मडगार्ड आता है, यहाँ से इसका मडगार्ड यहाँ पे है। और इसमें भी आपको व्हील देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर का, साथ में ब्लू कलर का स्टिकरिंग देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आप साइलेंसर देख सकते हैं, साइलेंसर के ऊपर ये जो कवर है ये भी फाइबर में ही यूज हुआ है ब्लैक कलर का। और यहाँ पे जो है यामा का भी लोगो देखने को मिल रहा है। वही इंजन देखें तो इंजन में भी आपको यामा लोगो यामा का लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। इंजन कितने सीसी का है, क्या इसका बीएचपी है, कितना टॉर्क है, ये सब आपको सब कुछ इसके आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक का हो गया, ये राइडर का फुट रेस्ट है, ये रियर का ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, जो पिलियन है पिलियन का फुट रेस्ट है यहाँ पर। ये आपका गियर का हो गया, सिंगल गियर है। रियर का ये सीट खोलने के लिए यहाँ पे की लगा हुआ है, देखो तो यहाँ से ये आराम से ये ऐसे खुल जाता है, इसको पुश करेंगे ये लॉक हो गया। बस इसको आपको ये डालना है, ये करना है, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे फ्रंट में ये दिया हुआ है यामा का, ये पीछे दिया हुआ है, इसको बस दबाना है आपको ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। ये अब देखें तो यहाँ पे ये इसका सीट के लिए है, सीट का देख सकते हैं, सीट में इसमें आपको जो कंपनी की तरफ से आता है इसमें आपको जो एक्सीडेंट के टाइम आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट एड किट यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे सब मेन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अंदर में रखने का आपको जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भलो आप छोटा सा अपना जो पासबुक इस बाइक के साथ मिलता है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो अंदर का व्यू आपको ये देखने को मिलता है, बट स्टैंड से इसको उतारते हैं, बैठ के देखते हैं। हाइट मेरा 5'5" है, हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं फुट का पहुंच जा रहा है। बैठने पे ही आप सस्पेंशन का ट्रेवल देख सकते हैं कितना ये अप एंड डाउन हो रहा है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग में भी इसको राइड कर रहे हैं तो ज़्यादा सस्पेंशन जो आपका है वो ऑब्जर्व कर लेता है, आपको जो जर्क है वो काफ़ी कम महसूस होने वाला है, क्योंकि आप सस्पेंशन इसका देख सकते हैं। रियर में आपको मोनोसक मिल रहा है, मोनोसक सस्पेंशन मिल रहा है। एक बार सस्पेंशन आप दिखा दीजिए, एक बार यहाँ पे सस्पेंशन आता हुआ नीचे, तो मैं अभी अप डाउन कर रहा हूँ। सस्पेंशन आप देख सकते हैं हल्का है, मिनिमम शायद मेरा 55 या 60 का वेट है, तो उसके हिसाब से तो सस्पेंशन बैठने के साथ ही ये अप एंड डाउन हो रहा है, बैठने में भी मज़ा आ रहा है। अगर आप देखें तो जो हैंडल बार है वो अपराइट में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है अपाची या कोई और एफजेड या यामा R15 में जो होता है या ऐसे झुक के चलाने का, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, अपराइट हैंडल बार है। और आप जो ये देख रहे हैं जो राइडर का फुट रेस्ट है वो भी फ्रंट की तरफ अगर है, स्पोर्ट्स बाइक में आपको ये जो राइडर का फुट रेस्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ इसमें भी काफ़ी है, और कुशनिंग भी सीट का अच्छा है, और साथ ही ब्रॉड इसका सीट का भी कुशनिंग है, तो बैठने में भी आराम फील हो रहा है। रियर का भी देखें तो सीट जो एम्प्टी में आप देखते हैं, बहुत देखने में आया था कि उनका जो पिलियन का है उनको बैठने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बट इसमें जो है सीट पीछे दो लोगों के लिए भी पिलियन के लिए भी आरामदायक होने वाला है, यामा ने इस पर ध्यान रखा है। आप राइडर का जितना देखेंगे कुशनिंग है सीट का मोटा, उतना आपको रियर में भी देखने को वही मिल रहा है। तो सीट का कुशनिंग इस बार सिंगल पीस के साथ ही कुशनिंग में कोई कमी नहीं दिया गया, बाकी बाइक फिर भी वैसे जो रेट्रो लुक है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। हालांकि कमेंट मेरे पास आया था जो मैंने इसका वीडियो बनाया था कि यामा XSR 155 का, कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा, कुछ को XSR पसंद है, तो सबका अपना अपना पसंद है, बट यामा ने कोशिश किया है कि मिक्स आपको वैरायटी दे। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलाइट में भी आपको राउंड मिल जाता है, तो अगर आप रेट्रो लुक में जाते हैं या होंडा की तरफ जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन भी इसमें मिल रहा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिल रहा है, ब्रॉड में आपको पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, कुशनिंग भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, और ऑफ रोड टायर भी मिल रहा है। तो ये सब कुछ मिलता है आपको। जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो ब्लूटूथ वेरियंट का है 119,800, और जो सिंपल वेरियंट है उसका है 116,800 रुपये।
दोस्तों आपको एक फ़ायदे की बात बता देता हूँ, ये बाइक यामाहा का जो शोरूम है उखड़ा में वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी मेरे लोकल सब्सक्राइबर है या व्यूवर्स है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो उखड़ा के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे तो आपको ये बाइक काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में भी मिलने वाला है। शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप एक कॉल कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करें, जल्दी जाएँ।